आज आपका बाहर खाने का मूड कैसे हो गया? मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया? सच कहूं? कहिए। दरअसल क्या है, मैं तुम्हें बाहर इससे लाया हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग का टेम्परेचर जो ऊपर चढ़ गया था वो कुछ नीचे आ जाए। प्लीज धर्म जी, मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती। हो गया आपकी कोई जिम्मेदारी, मुझे इससे क्या मतलब? ओके, इसे मेरी जिम्मेदारी समझ के इस टॉपिक को यहीं खत्म कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, नाना तुम्हें फोन पे ये नहीं बताया कि नरेश को कैसे पता चला कि हम महाबलेश्वर में हैं? वहाँ पे किसी को नहीं मालूम। बहुत ही चालाक आदमी है वो। धर्म जी अगर वो यहाँ आ गया तो फिर क्या करेंगे आप? करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं हाथापाई पे नहीं उतरना चाहता। उससे तुम्हारा केस कमजोर हो जाएगा। वो तुम पे एडल्ट्री का इल्जाम लगाएगा जिससे तुम्हारी गवाही की अहमियत नहीं रहेगी। बच के रहना होगा। तो इत्तेफाक से बाई चांस, लेकिन समझो था ही नहीं, गया यहाँ से भी गया। इधर आ साहिबा, मारोगे तो नहीं? सीधा इधर आ। अरे धर्म सेठ बुलाए और गुल्लू जानी नहीं आए, लेकिन साहिबा यहाँ मत मारना। मारना ये तो चलकर किसी कमरे में मार लो, सारे कमरे खाली पड़े। बकवास बंद कर, तू यहाँ क्या कर रहा है? बनवास साहिबा, बनवास। क्या मतलब? अरे वारंट निकल गया है, मैं इधर हूँ ये किसी को मत बताना। तू यहाँ रहे या जहन्नुम में, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन हमारे बारे में अगर तूने किसी से कुछ बताया तो तेरी खैर नहीं। किसी से मतलब साहिबा? किसी से मतलब किसी से भी नहीं। ठीक, अंदर की बात है ना साहिबा, नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा साहिबा। लेकिन साहिबा आपको तो सर्विस चार्ज देने की आदत है ना, और गुल्लू जानी को लेने की। मैं सोच रहा था कि सवेरे से हथेली क्यों खुजा रही है? सर नहीं खुजा रहा। जूते का नंबर भूल गया मेरे? सुन बेहरामी, तेरी आदतों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ताली का बैंगन है तू, लड़कते हुए तुझे देर नहीं लगती, लेकिन अब के कोई हरकत दिखाई तो इतनी मार मारूंगा कि तेरे जबड़े में एक दांत बाकी नहीं रहेगा। आप फिक्र न करें, गुल्लू जानी जान दे देगा, लेकिन किसी को नहीं बताएगा। जाऊं मैं? दफा। सॉरी साहिबा, साहिबा एक मिनट। क्या है अब? कांटे की बात है साहिबा। बक साहिबा, ये नरेश बाबू की बीबी है ना? हाँ, तुझे इससे मतलब? इससे की नहीं मुनी। दोबारा ऐसी बात की तो बहुत बुरा होगा, समझा? नहीं करूंगा साहिबा, नहीं करूंगा। खाना ठंडा हो रहा है, तो सर्विस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए साहिबा, नहीं चाहिए। Ah, please. नाइस वेदर। धर्म जी, क्या ये वही गुल्लू जानी है जिसने आदित्य की मर्डर वाली रात को नरेश को फोन किया था? हाँ वही है। 100 हरामी मरे होंगे तो एक गुल्लू जानी पैदा हुआ होगा। बहुत कमीनी चीज़ है, पैसे के लिए अपनी माँ बहन किसी को बेच सकता है। फॉर इन्फॉर्मेशन, इसकी बहन नरेश की माशूका रह चुकी है। दरअसल इसी ने सप्लाई किया था उसे। धर्म जी, गुल्लू जानी ने हम लोगों को यहाँ पर देख लिया। अगर नरेश उससे मिला और गुल्लू ने उसे सब कुछ बता दिया तो? क्या बताएगा? यही क्या महाबलेश्वर में है? नरेश नो दैट। ये तो नहीं जानता ना हम कहाँ हैं, और वैसे भी अगर कुछ होगा तो मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। नहीं, धन्यवाद। होटल अनारकली। देखिए आपके होटल में कोई मिस्टर धर्म चोपड़ा और बरखा मल्होत्रा के नाम से कपल ठहरा है? जस्ट अ मिनट सर। जी इस नाम का कोई नहीं है, वैसे होटल खाली है, ऑफ सीजन है ना। आई सी, थैंक यू वेरी मच। कम इन। तू तू जलाल तू आई बला को टाल तू साहिब आजल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। क्या पूछा मैंने? क्या कर रहा है तू यहाँ? हॉरर सीरियल देख रहा हूँ साहिबा। हॉरर सीरियल के बच्चे, गोली से उड़ा देना चाहिए तुझे। उस रात तेरी वजह से कुछ का कुछ हो गया। मेरी वजह से नहीं, उस पहले हॉरर सीरियल की वजह से। कौन सा सीरियल? वो है धर्म चोपड़ा। उसने क्या किया? मेरे साहिबा आप सोच भी नहीं सकते। गुल्लू जानी सीधी तरह से बता दे वरना। अरे साहिबा आप कह रहे थे ना कि उस रात गड़बड़ी मेरी वजह से हुई। अदालत का ये फैसला मेरे साहिबा बिल्कुल गलत है। तो फिर? धर्म चोपड़ा ने रिक्शा की टोपी कार को पहना दी और कार की टोपी रिक्शा को पहना दी। खटिया किसी की खड़ी होनी थी, वो किसी की गई। बस इतनी सी बात थी। ब्लडी हेल, गेट आउट। साहिबा इतनी बात बताई, सर्विस चार्जेस नहीं मिलेगा? और फिर चाय भी तो लेकर आया हूँ। एक बात सुन, हुक्म करो मेरे साहिबा। तू कितने दिनों से यहाँ काम कर रहा है? काफी दिन हो गए। क्यों? मेरी वाइफ बरखा को पहचानता है? शायद देखूं तो पहचान लूं साहिबा। वो मुझसे नाराज होकर आजकल यहाँ आई हुई है, धर्म चोपड़ा के साथ। यस, इसका मतलब तूने उन्हें जरूर देखा है। पता कहाँ देखा? कौन कहाँ देखा तूने? ये नरेश बाबू की बीबी है ना? हाँ, तुझे से मतलब? सेकंड हनीमून। दोबारा ऐसी बात की तो बहुत बुरा होगा, समझा? ए, वो गाने का हॉरर सीरियल नंबर 1। क्या मतलब? कौन कहाँ है? क्या आप कोई टीवी प्रोग्राम दिखा रहे हैं? वो लोग यहाँ इस सीरियल का मुझे नहीं पता। बिल्लू जानी, वो लोग यहाँ महाबलेश्वर में ही हैं। अब तू बताएगा, सच्ची खबर लाएगा तो 500 और दूंगा। नौकरी खतरे में डालकर जासूस बनना पड़ेगा। कुछ सर्विस चार्जेस लंबा कर दीजिए ना। ठीक है, 1000 और दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले ये मालूम कर कि वो लोग ठहरे कहाँ हैं। ठीक है साहिबा, सत श्री अकाल, नमस्कार। सुन जा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने। हाय गजब। अरे जिम्मेदारी को इतना अंडरलाइन तो मत करो यार। आप अपना काम कर रही हो बहन, और गुल्लू जानी अपना काम कर रहा है। मंजिल 1 रास्ते 2। क्या चाहते हो तुम? धर्म सेठ से नमक हलाली करना। अरे गुलाम हूँ मैं तो उनका। मतलब? मतलब ये बहन कि नरेश सेठ से मुलाकात हुई है। उन्होंने आपको ढूंढने की ड्यूटी लगाई। तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? अभी तक तो नहीं, लेकिन धर्म सेठ से कहना कि गुल्लू जानी का मुंह बंद करने के लिए सर्विस चार्जेस चाहिए। अरे आपको घबराने की जरूरत नहीं, गुलाम हूं मैं तो आपका। फिर आऊंगा। सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, जय हिंद। साहिबा, जब कामनी बहन बंबई में थी तो आपके दिन कितने मजे में कटते थे। हर रात सुहाग रात, हर दिन ईद। लेकिन आपको धोखा दे के भाग गई। इस दुनिया में वफा मिलना बहुत मुश्किल है। अरे सब गुल्लू जानी की तरह वफादार थोड़ी होते हैं। साहिबा एक बात बताओ, जब से आपकी बीबी गैर हुई है आपकी रातें कैसे कटती हैं? मेरा मतलब है अगर मैं बरका बहन को जब तक ढूंढता हूँ डुप्लीकेट का इंतजाम कर दूं? वो सब बाद में गुल्लू, पहले तो बरका को ढूंढना है। समझो बरका बहन मिल गई। कहाँ है वो? यही कहीं महाबलेश्वर में। मेरा मतलब है गुल्लू जानी की आंख गिद्ध की आंख है, गिद्ध मुर्दा सूंघ लेता है, गुल्लू जानी जिंदा। बस सीरियल का एक इम्पोर्टेंट सीन बाकी है, वो फाइनल हो जाए समझो आपका शिकार पिंजरे में बंद। लगता है आजकल ज्यादा ही नशा करने लगा है गुल्लू जानी, इतना लपेट लपेट कर क्या बातें करता है। कौन सा सीन बाकी है, क्या फाइनल करना है? रे सब करो सरकार, ढक्कन खुलने ही वाला है। तेल देखो, तेल की धार देखो। अरे गुल्लू जानी को लोग ऐसे ही तीरंदाज थोड़ी कहते हैं। आप तो 1000 रुपए तैयार रखो, अभी अच्छी खबर लेकर आता हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है धर्म जी, अगर गुल्लू जानी ने नरेश को बता दिया तो नरेश कुछ भी कर सकता है। गुल्लू जानी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ बरखा, वो सिर्फ तुम्हें धौंस देके गया है। बेसिकली उसका मकसद है मुझसे मार ऐटना। ये मैसेज मेरे लिए था। उसे लगता है सोने के अंडे देने वाली मुर्गियाँ उसके हाथ लग गई हैं, तो मुझसे भी माल ऐटेगा और उधर से भी। तो फिर दे दीजिए ना उसे जो चाहिए। नहीं, उसका ब्लैकमेल इस वक्त काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसे लग गया कि हम उससे डर रहे हैं तो उसका हौसला और बुलंद हो जाएगा। उसे क्या देना मैं जानता हूँ, आने दो उसे। आ गया हुजूर, आ गया गुल्लू जानी, आ गया। बहन सर्विस चार्ज फिट किया कि नहीं? सर्विस चार्ज के बच्चे हैं, ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। नहीं सरकार, ये ब्लैकमेल नहीं है, तो सर्विस चार्ज है। सर्विस चार्ज चाहिए तुझे? हाँ। सरकार क्या कर रहे हैं, मेरे स्टैंडर्ड का तो ध्यान रखिए। स्टैंडर्ड मैं फिट करता हूँ। सरकार सांप की दुम पर पाँव रखा है, 10 के छोड़े बात। अभी तो दुम पे रखा है, गर्दन पे रखूंगा तो जानता क्या होगा। चल दफा। ये क्या किया आपने धर्म जी? ये इसी लायक है, लेकिन अब ये जाके नरेश को सब कुछ बता देगा। I don't care, पता नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दुआई हो साहिबा, दुआई हो, दुआई हो साहिबा, दुआई हो, दुआई हो। गुल्लू जानी, तुम्हारी हालत किसने कर दी? अरे साहिबा, आज दुनिया को ये जाहिर हो गया है कि इंसाफ की चक्की में ठीकरे भी पिस सकते हैं और बाहर भी पिस सकते हैं। अबे उल्लू क्या पट्टे, मैं तुझसे पूछ कर रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है? क्या हुआ तुझे? अरे मार मार के 5 फुट से 2.5 इंच का बना दिया। किसने? आपके दुश्मन धर्म चोपड़ा ने। मिला था वो? मिला था और मिली थी, फिर पकड़ कर दो डाला, लेकिन मैं भी छुप कर उनका घर देखा हूँ। गुड, कहाँ है वो? पहले सर्विस चार्ज निकालो। ओके, ठीक, चल 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 चल। और अस्पताल का खर्चा कौन देगा? अरे वो भी दूंगा, चल ना। देना बस ये। बरखा, धर्म चोपड़ा बाहर आओ। क्या बात है साहब, किसको ढूंढ रहा है साहब? अरे वो कबूतर कबूतरी यहाँ रहते थे ना। कौन, धर्मसेठ और बरखा मल्होत्रा? हाँ वही। कहाँ है वो? अभी थोड़ी देर पहले छोड़ के चला गया साहब। क्या, कहाँ चले गए बताओ, वरना हमने पूछा नहीं साहब, उन्होंने बताया नहीं। क्या लफड़ा क्या साहब? अरे बता दे बता दे, इंस्पेक्टर साहब अंदर कर देंगे। हमको नहीं मालूम, आए सब पद हमको नहीं मालूम साहब। हेलो, मैं नरेश मल्होत्रा बोल रहा हूँ। कमिश्नर साहब हैं? बोलो नरेश, मैं बोल रहा हूँ। कमिश्नर साहब भाई, आपको मेरी मदद के यहाँ आने की तकलीफ गवारा करनी ही पड़ेगी। अरे भाई तुम्हारी मदद करना तकलीफ नहीं बल्कि ऐश की दावत होती है। आ जाऊंगा, लेकिन बात क्या है? यूँ समझ लीजिए कि बरखा और धर्म चोपड़ा मिले भी और हाथ से निकल भी गए। क्यों, हुआ क्या? मुझे उनका एड्रेस मिला, पर मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वो दोनों घर छोड़कर कहीं और जा चुके थे। कहाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप फिलहाल यूं समझ लीजिए कि मुझे अपनी मिसिंग वाइफ को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद चाहिए। Is it okay? तुम फिक्र मत करो, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। फौरन आइए, प्लीज। जान किसे प्यारी नहीं होती बरखा? अपने आप को देखो, जान प्यारी है ना, तभी कैसे तड़प रही हो उसे बचाने के लिए। फिर अगर मैं भी अपनी जान बचाना चाहता हूँ, फांसी से बचना चाहता हूँ, कैद से बचना चाहता हूँ, तो मैं बुरा और तुम अच्छी कैसे हो गई हैं? प्लीज नादानी छोड़ दो बरखा, जो हुआ उसे होनी समझ के भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा और हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। चलो घर चलो, घर चलो बरखा। नहीं हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बचाओ, मत करो बरखा, मुझे मजबूर मत करो बरखा, वरना अपनी हिफाजत के लिए मुझे तुम्हें अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। सोचो। नहीं हेल्प खोलिए, दरवाजा खोलिए प्लीज। रूपा तुम? हाँ नरेश मल्होत्रा, मैं तुम्हारे गुनाहों का आईना। तुम अभी तक जिंदा हो? और जिंदा रहूंगी जब तक तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर तुम्हारा लहू नहीं पी जाता। और जानते हो, मैंने तुम्हारे बच्चे का नाम कर्ण रखा है। मेरा बच्चा? ब्लडी हेल, अपनी ये बकवास बंद करो और बरखा को बाहर बुलाओ, वरना मैं खुद ही। आगे मत बढ़ना। और तुम? बाड़ा बरखा। Get lost you murderer! तुम अदालत नहीं जाओगी? मैं अदालत में जरूर आऊंगी, तुम्हें सजा दिलवा कर ही रहूंगी। नरेश चले जाओ यहां से। देख लूंगा, देख लूंगा कैसे पहुंचती वहां तक, देख लूंगा बरखा। क्या हुआ साहिबा, बात बनी? लॉरी हेल्प, पेड़ा गर्ग घोड़ा जाते जाते भी लात मार गया। आज एक दुश्मन ने दूसरे दुश्मन की जान बचाई है, एहसान मानती है। दुश्मनी की वजह तो गलत फहमी थी बरखा, हम दोनों ने जानबूझकर तो एक दूसरे का रास्ता नहीं काटा था। कसूरवार तो आवारा बदमाश था जिसने हम दोनों को लूटा और अंधेरे में रखा। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने भी तो आपको बराबर के जवाब दिए थे। हिसाब बराबर हो चुका, ठीक है ना? ठीक है बरखा जी, आपकी एक और गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। धर्म जी हर रोज सुबह यहाँ पे आते हैं, वो रिश्ता भी साफ कर दूँ? धर्म जी मेरे धर्म के भाई हैं, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। कितनी जाती है उनकी, उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? इसलिए नहीं बताया कि हमारी पिछली मुलाकात दुश्मनों जैसी थी। अगर बताते तो यकीन ही नहीं करती, कड़वाहट बढ़ जाती और एक और आफत खड़ी हो जाती। नरेश का बच्चा, मगर अब मैं ही इसकी माँ हूँ और मैं ही इसका बाप। बरखा जी, एक तरफ से आपको भी माँ ही पुकारेगा, आपको कैसा लगेगा?